कंपनी का रिजल्ट बोले जाए ना, तो हम कंपनी का रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर एक शार्प ग्रोथ देख सकते हैं, जिसका कारण है कि हमें ये स्टॉक ऊपर देखने मिला। और यहाँ पर स्टॉक इन्वेस्टर्स को पता था कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को पता था कि अच्छा यहाँ पर रिजल्ट आएगा, दैट इज वाई द स्टॉक ग्रेजुअली मूव्ड अप। अगर तुम देखोगे एक महीने में तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट है, बिकॉज द स्टॉक इन्वेस्टर्स वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। उन्हें पता था कि रिजल्ट के आने के एक दो दिन पहले है ना वो बाय कर लेंगे एंड द रिजल्ट विल बी गुड। एंड यहाँ पर बूम यही हुआ। अब मंडे को यहाँ पर शेयर प्राइस बहुत ही अच्छे से इंप्रूव होगी, बिकॉज दे न्यू कि अगर हमने एक दो दिन पहले खरीद लिया तो हमें बहुत ही अच्छा अपसाइड देखने मिलेगा। जिसने इधर इधर खरीदा था उसे तो पहले से ही 7% का अपवर्ड मूवमेंट देखने मिलेगा। अगर तुम्हें यहाँ पर फ्रेश एंट्री करनी है तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री आराम से कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखो, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मैंने हमेशा से कहा है कि यहाँ पर केमिकल सेक्टर है, उस पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है अभी यहाँ पर जो भी है हमारा इन्वेस्टर्स का। और केमिकल सेक्टर एक तरह से हमारे पोर्टफोलियो का हेज करने की भी कोशिश करेगा। एक चीज़ बताता चलूँ, देखिए रिजल्ट तो A+ आया है, मतलब इतना भी A+ नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा हमें यहाँ पर वीक देखने मिला, बट ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा देखने मिला है, शानदार देखने मिला है। बट अगर हम देखें तो यहाँ पर रिजल्ट के बाद भी अगर रिजल्ट आया अच्छा लेकिन स्टॉक ऊपर भाग जाएगा ऐसा नहीं रहता है। रिजल्ट के बाद या तो वो कंसोलिडेट भी कर सकता है एंड वो नीचे भी गिर सकता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि वो कंसोलिडेट और यहाँ पर नीचे गिरना वो एक लिमिट तक करेगा, मतलब उसकी एक लिमिट रहती है। ओनली बिकॉज ये सारी चीज़ें हैं ना ऑपरेटर्स करते हैं, मतलब लोग क्या करते हैं ये सारी चीज़ें देख के ना बाय करने का ऑर्डर लगा देते हैं, बट ऑपरेटर्स के पास है ना हमारे इन्वेस्टर्स से ज़्यादा पैसा रहता है, रिटेल इन्वेस्टर्स से ज़्यादा पैसा रहता है कि विटामिन एम बहुत ज़्यादा रहता है। एंड दैट इज़ वाई वॉट दे डू इज दे सेल द स्टॉक। तो यहाँ पर वो लोग सेल करते हैं ना, तो ये वो लोग क्या करते हैं पता है, ऐसी सारी जगह पे ना यहाँ पे जगहों पर यहाँ पर खरीद के रखते हैं ये सारी जगहों पर, और फिर बाद में जब भी रिजल्ट आता है ना उन्हें पता रहता है कि ओके रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बिकॉज उनकी एनालिसिस A1 रहती है। एंड दैट इज़ वाई वॉट दे डू कि यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद वो लोग है ना यहाँ पर स्टॉक को सेल करना चालू कर देते हैं जो उन्होंने पहले यहाँ पर खरीदा था, तो यहाँ पर वो लोग सेल करना चालू कर देते हैं और स्टॉक या तो कंसोलिडेट करते हैं अगर यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको पसंद है तो, या तो स्टॉक नीचे चले जाता है एंड विच क्रिएट्स अ पैनिक मोमेंट फॉर देम। और यहाँ पर वो लोग क्या करते पता है, ऊपर सेल कर देते हैं क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया है, एंड देन रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर पैनिक करके सेल कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने रिजल्ट अच्छे से नहीं पढ़ा, एंड दैट इज वाई द स्टॉक इज ग्रेजुअली गोइंग डाउन। और वो लोग अपने हाथ से अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं एंड देन द यहाँ पर ऑपरेटर्स बाय द स्टॉक फ्रॉम डाउन। अभी ऑपरेटर्स हमारे दुश्मन तो नहीं है लेकिन हर एक बंदे को पैसा कमाना है ना, एंड दिस इज द टेक्निक दैट ऑपरेटर्स हैव। ऑपरेटर्स मतलब क्या, जिसके पास 1 CR से ज्यादा यहाँ पर कैपिटल हो वो ऑपरेटर हो जाता है, क्योंकि आपने 1 CR का इन्वेस्टमेंट किया और स्टॉक के प्राइस में हमें यहाँ पर फर्क देखने मिलेगी। अभी हम लोग जनरली यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें फर्क देखने नहीं मिलेगा, अब ये सर और लेकिन ऑपरेटर करेंगे तो बहुत ही अच्छे से देखने मिलेगा, मतलब अगर आपने 1 crore से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया तो यहाँ पर स्टॉक के प्राइस में फर्क देखने मिलेगा। अब लीविंग दिस पॉइंट एट द साइड और मूविंग टुवर्ड्स आर टॉपिक, यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पर है ना ये जो जनरल यहाँ पर मूवमेंट है वो यहाँ पर एक ही मतलब टाइम फ्रेम में देखने मिलेगी, बट ओवरऑल देखा जाए तो एक ही बार में रिजल्ट के 1 महीने बाद भी हो सकता है, या फिर 2 महीने बाद भी हो सकता है, या फिर 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है। ऐसी ग्रोथ आती है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर है ना चौंक जाते हैं कि क्या हो गया, क्या हमने अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी, क्या यार ये तो ऑपरेटर्स की चाल है ऊपर जा रहा है, एंड दैट इज़ वाई द यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स आर गेटिंग ट्रैप। तो ये सारी चीज़ें तो हमने जान ली, ये सारी चीज़ें होती है, तो हमें क्या करना होगा, फ्रेश एंट्री लेनी है। यू आर ऑलवेज जस्ट वेलकम इन द स्टॉक, बिकॉज यहाँ पर स्टॉक बहुत ही लो प्राइस में है, बट यहाँ पर एक बात देखते चलो, यहाँ पर स्टॉक की PE थोड़ी सी हाई है। अगर तुम देखोगे नजर डालोगे 91 की PE है, जो जनरली होनी नहीं चाहिए, एंड दैट इज वाई आई वॉज टेलिंग यू कि यहाँ पर गिरावट होगी ना तो तुम्हें यहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि PE बहुत ही मतलब ज्यादा भी हाई नहीं कह सकते, बट एक जनरल PE 40 की होती है और ये PE 90 है, यानी डबल से भी ज्यादा है। ओके, ये एक चीज हमने चेक कर ली। सेकेंडली अगर हमने यहाँ पर देखेंगे तो ये 50-day और 100-day मूविंग एवरेज के नीचे ही है, जो स्टॉक को एक अच्छी मूवमेंट देता है कि अगर इसने 50-day मूविंग एवरेज के आसपास भी आ गया ना तो यहाँ पर स्टॉक ऊपर जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें तो जान ली हमने। अभी भाई हमें बता कि हमने इधर इन्वेस्ट किया था, हमने तो यहाँ पर इसमें पैसा लगाया था IPO में, अब हमें लॉस हो रहा है, क्या करें दोस्तों। ये तुम्हें लॉस हो रहा है वो तुम्हें दिख रहा है, बट तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि स्टॉक ने यहाँ पर क्या अच्छी मूवमेंट दी है। अगर तुम देखोगे ना ये मूवमेंट कितने की है, तुम अगर एकदम अच्छे से देखो तो ये मूवमेंट कुछ 7% की है, तो तुम देख सकते हो 7% का अपवर्ड मूवमेंट, वो भी कितने दिन में, यहाँ पर 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त में, मतलब 2 दिन में मूवमेंट दी है ये। 7% 2 दिन में मूव होना इज़ नॉट अ जनरल थिंग,
तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये मूवमेंट अगर वो देख सकता है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आराम से पहुँच सकता है, एक हफ्ते में भी पहुँच सकता है या फिर 2 दिन में भी पहुँच सकता है। तो तुम्हें उसकी चिंता तो नहीं करनी है। अब तुम्हें अगर लग रहा होगा कि स्टॉक अभी फिर से अगर गलती से स्टॉक गिर भी जाए ना, तो तुम यहाँ पर सेल मत करना पैनिक में आके, बिकॉज यहाँ पर कई सारे लोगों का एक्सपीरियंस है एंड मुझे खुद का एक्सपीरियंस है। व्हेन आई वाज अ बिगिनर आई डिड द सेम मिस्टेक। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब हम बात करेंगे इसके रिकॉर्ड डेट की। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कंपनी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रही है, जो मैंने तुमको बताया कि यहाँ पर बुक वैल्यू यहाँ पर 74 दिख रही है और यहाँ पर आगे दिख रही है कंपनी। बट ये सारी चीज़ें छोड़ दो यार, यहाँ पर बुक वैल्यू से यहाँ पर ज़्यादा ही लिस्ट हुई थी बिकॉज बहुत ज़्यादा इसके अंदर सब्सक्रिप्शन हो गया था। अभी यहाँ पर आगे जाके यहाँ पर स्प्लिट और बोनस आ सकते हैं, खैर विच इज़ द मैटर ऑफ द कंपनी। हमें यहाँ पर रिपोर्टेडली यहाँ पर डिविडेंड देखना है। यहाँ पर दो द कंपनी इज रिपोर्टेडली रिपीटिंग प्रॉफिट। अब यहाँ पर कंपनी को लिस्ट होकर कितना ही टाइम हुआ है तुम्हें पता है, तो यहाँ पर डिविडेंड अगर उसने एक बार नहीं दिया तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता है। तुमने यहाँ पर देख लिया कि इस कौन को हटा देना है, पहले वाले कौन को भी हटा देना है। अब तीसरे बारे में बात करते हैं, टैक्स रेट सीम्स है, यहाँ पर टैक्स रेट सीम्स लो। तो यहाँ पर ये एक कौन है कि इनका जो टैक्स रेट है वो यहाँ पर थोड़ा सा लो है, जो एक जनरली हमें देखने नहीं मिलता है, और देखने मिलता है तो भी हमें इसे इग्नोर ही करना है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ओके, एंड डेटर डे इज हाई फ्रॉम 84 to 110। हमें जनरली देखने मिला है कि यहाँ पर केमिकल सेक्टर में ये लोग है ना जनरली डेटर डे को हाई और लो करते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमें छोड़ के चल रही हैं। बाकी सारी चीज़ें हमें ओवरऑल बहुत ही अच्छी दिख रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, ईयर ऑन ईयर हमें यहाँ पर सेल्स की रेशियो दिख रही है जो ग्रेजुअली इन द ग्रोथ मोड है। इन द ग्रोथ मोड मतलब क्या होता है कि अभी सेल्स हुई, अगले साल ज़्यादा सेल्स हुई, उसके अगले साल और ज़्यादा सेल्स हुई, मतलब हर साल ना हमें सेल्स में ग्रोथ देखने मिल रही है। ऐसा नहीं कि अभी ज़्यादा हो गई, अगले साल कम हो गई, या फिर अगले साल और ज़्यादा हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमें गलत देखने मिलती है और ये सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है। अगर हमें यहाँ पर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग कंपनी दिख रही है, वी हैव टू डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दैट। ऑब्वियसली देर आर मेनी अदर पैरामीटर्स टू सर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। नेट प्रॉफिट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग विच इज़ अ गुड सिग्नल फॉर एनी कंपनी। ईपीएस इज ऑल्सो ग्रेट, यहाँ पर थोड़ा सा ईपीएस में गिरावट देखने मिली है, बट दैट इज इन फॉर अस। यहाँ पर अगर हम देखें सेल्स ग्रोथ में, सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर जो है कंपाउंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, तो ओवरऑल बैलेंस शीट इज वेरी गुड। यहाँ पर रिजर्व्स भी बड़े हुए हैं, बोरिंग्स भी कम हुई हुई है, नेट कैश फ्लो थोड़ा सा माइनस में है 5 करोड़ के, विच इज़ इनफ फॉर अस, और बाकी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। तो ये ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है। मैं कंक्लूड करते हुए वीडियो को यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर शेयर बहुत ही अच्छा है, और तुम्हें इसमें अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो बाय करना, यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा लिस्टिंग प्राइस से नीचे मिल जाएगा, जो तुम्हारे लिए एक एडवांटेज होगा। और ये मत सोच के करना कि यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग यहाँ पर हमें सजेस्ट कर रहे हैं तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, ये वाला व्यू हमें कभी भी लेके नहीं चलना है। हमें यहाँ पर स्ट्रेट व्यू लेके चलना है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर तुम्हें अभी भी कुछ डाउट है, वी आर ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।